तानागरी की ऐतिहासिक इमारतों पर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते सैलानियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजमहल, आगरा किला के अलावा मरियम टॉम पर नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या बनी हुई है। मरियम टॉम पर ऑफलाइन टिकट ना होने के चलते सैलानियों को स्मारक का दीदार बिना किए हुए ही वापस मजबूर होकर लौटना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरियम टॉम पर और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो पर्यटक हैं यहाँ आए काफ़ी देर से, जो ऑनलाइन टिकट है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कोशिश नाकामयाब होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो यहाँ लौट जाते हैं और यहाँ कई पर्यटक जो स्मारक का दीदार करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो काफ़ी परेशानियों का कारण बनी हुई है। क्या हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की समस्याएँ देखने को मिल रही है ऑनलाइन टिकट में आप? नहीं, मतलब मैं थोड़ा काटने का प्रयास किया तो दो बार पैसा तो कट गया, लेकिन टिकट नहीं आया मेरे पास। टिकट नहीं आया? हाँ, तो पैसा दो बार कट गया गूगल पे से। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। कितना टाइम हो गया? अभी 15 मिनट तो हो ही गया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। ऑफलाइन भी टिकट नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कहना चाहते हो कि जिस तरह से जो परेशानी देखने को मिली है, करीब 15 से 20 मिनट आपका यहाँ ख़राब हुआ है, तो उसको लेकर कुछ प्रशासन से या संबंधित विभाग अधिकारी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब अगर अब देखिए क्यों ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ ये तो मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा और अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से तो ऑफलाइन टिकट थोड़ा पैसा, जैसे हर जगह होता है 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दे के भी अगर उसका कुछ सुलह हो सकता है तो अच्छी बात होती है। ठीक है, कोई एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, होना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। और ऑनलाइन का क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ये भी देखना चाहिए। अब ये मैं अभी नहीं पता कि मतलब टेम्पोररी प्रॉब्लम है कि ये बहुत होता है, ये मुझे नहीं मालूम। देखा कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बाहर से आए हैं और काफ़ी 20 मिनट से यहाँ पर, 15 से 20 मिनट से यहाँ पर ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन टिकट की व्यवस्थाएं, जो कह सकते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ की जा रही हैं, जो वादे किए जाते थे वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आते हैं। QR कोड से जब यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकट की जाती है, क्योंकि ऑफलाइन टिकट की यहाँ सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से पर्यटक काफ़ी परेशान होते हैं और कई ऐसे पर्यटक हैं जो बिना स्मारक का दीदार किए हुए वापस लौट जाते हैं। अपने साथी इकबाल के साथ गोपाल शर्मा, C News, आगरा।